जय हिंद। मैं मोहम्मद जाबीर और आज हम बात करेंगे जुरिस्प्रूडेंस के माध्यम से लीगल राइट को समझने की कोशिश करेंगे। विधि को समझने के लिए जुरिस्प्रूडेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे परिभाषाएं दी गई हैं जो विधि को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। विधि के माध्यम से ही हम लोग शासित होते हैं और ये लीगल राइट क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। हमारे संविधान में भी लीगल राइट को बहुत ही महत्वपूर्ण राइट बताया गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट आते हैं, सभी को अपने रिलीजन से संबंधित अधिकार को बताया गया है। और इसी चीज को समझने का हम प्रयास करेंगे कि लीगल राइट वास्तव में क्या होता है, इसे किस विद्वान विधिवेत्ता ने किस तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले लीगल राइट को समझने में सर जॉन साल्मन का डिफिनीशन लेते हैं। उनके अनुसार सर जॉन साल्मन डिफाइन राइट एज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल और जस्टिस। इट इज एन इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज अ ड्यूटी एंड द डिस रिगार्ड ऑफ विच इज रॉ। अगर किसी प्रकार का कोई गलती जो लॉ मना करता है, अगर उसको छीनने का कोई प्रयास करता है, तो लीगल राइट के माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक जस्टिस को दिलाने का तरीका है। टी.ई. हॉलैंड ने भी लीगल राइट को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार लीगल राइट एज ए कैपेसिटी रेसिडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विथ द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ अदर्स। हॉलैंड ने स्टेट के लिए यह एक एक्शन का क्रिया बताया है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है अवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, तो यह लीगल राइट के माध्यम से स्टेट उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी को और विस्तृत रूप से डीन रॉस को पाउंड ने अपने एनालिसिस में बताया है कि लीगल राइट एंड इंटरेस्ट विच इज सिक्योर एंड प्रोटेक्ट बाय लॉ। लीगल राइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लॉ के अनुसार, विधि के अनुसार। सेकेंड है ए रिकॉग्नाइज्ड क्लेम टू एक्ट और फोरबियरेंस बाय अनदर और बाय ऑल इन अदर टू मेक द इंटरेस्ट इफेक्टिव। थर्ड है द कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग राइट। फोर्थ है द प्रिविलेज एंड लाइबर्टीज। फिफ्थ है एज एन एडजेक्टिव इट इज मीन्ट टू गिव इफेक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड गिव इफेक्ट टू मॉरल राइट। यह हमारा विधिक अधिकार है जिसके माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जैसा कि साल्मंड कहते हैं, यह रूल है जो जस्टिस दिलाने का काम करता है। हॉलैंड कहते हैं यह स्टेट द्वारा एक एक्शन है जिसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। डीन रॉस्को पाउंड के एनालिसिस में यह कहा गया है कि लॉ के अनुसार यह प्रोटेक्ट करता है। यह एक एग्जेक्टिव मिंट है जो इफेक्ट रिकॉग्नाइज है या इफेक्ट करता, अगर कोई व्यक्ति लॉ को इफेक्ट करता है, उसके विधिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा विधिक अधिकार है।